आजकल इंसान को खुश करने वाली चीजों में पहले नंबर पर आती है। इस महंगाई के जमाने में क्या हुआ, गाड़ी का फ्यूल टैंक और जब लाइट ना हो तो मोबाइल की फुल बैटरी, ये दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा आजकल खुश करती है, बाकी सारी चीजें दूसरे नंबर पर है। आज हमने बनाने हैं पकोड़े, उसकी कुकिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए पालक, तो सबसे पहले हम पालक लेने आए हैं। पालक के पत्ते तोड़ेंगे। मैं काटू पालक। कैसे काटू, एक एक पत्ता उतारना है। ठहरो पहले, ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ये यहाँ से ये देखो, ये है ना लंबे वाला, ये ऐसे, ये टूट गया, ठीक है। पूरा नहीं निकालना, खींचना नहीं है, नेल के साथ ऐसे। वेरी गुड अदन ने, देखो सही कर, बड़े वाला ये वाला पत्ता, ये वाला उतारो, तोड़ना है उसको। हाँ खींचना नहीं है, नीचे से ना निकले। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऐसे पत्ते को ये देखो, ये ना उतार लो अब इसको, ले आओ। वेरी गुड। वाले पत्ते तो अब बड़े बड़े पत्ते, बड़े पत्ते, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले। आप ये इधर से बड़े वाले ले लो, ये लो, ये वाले, ये बड़े, यस, नीचे से यहाँ पर छोटे छोटे हैं, ये एक बड़ा, ये सबसे बड़े, ये वाला ले लो, वेरी गुड। चलो आप रख दो, खुद ही रख दो यहाँ पे। वेरी गुड, इतने ज्यादा हमारे पास हो गए हैं। बस एक और, बस चलो बस बहुत है, इनफ है। ये तो बड़े, ये डाल दूं? नहीं नहीं, ये फिर उतार लेंगे बाद में जब चाहिए। चलो जी आ जाओ, मामा जी इतने बहुत है। आलू कट हो चुके हैं, अब ये पालक भी। आज घर में बनी है कड़ी, ये इसकी ग्रेवी तैयार होगी और अब बनने लगे हैं पकोड़े। ऑयल गरम हो रहा है, तवे पे हमें कंफर्टेबल होता है हमेशा। मैं बताती हूँ, जब भी पकोड़े बना रहे होते हैं फ्राइंग पैन में, नॉन स्टिक में कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि इनमें टाइम हमें कम लगता है, कि जो थोड़ा सा सेमी कुक हो जाता है ना उसको साइड पे कर देते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं तवे के ऊपर। दूसरे तो फुल कुक होंगे, आप वो निकालोगे फिर अगली लॉट डालोगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है इसलिए। और क्या चाहिए, धनिया मामा जी? सबस धनिया जी, वो लेकर आते हैं। और फिर तो हम तो धनिया लेने जा रहे हैं, वीडियो शुरू होती है, वीडियो तो शुरू होगी, तो क्या करना है आपने वीडियो को बाय बाय, हम धनिया लेने जाते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, लेट्स गो। आजो मैं वीडियो बना रही हूँ, हम धनिया तोड़ेंगे। आप इतना मेहनत तलब काम ना करें, आप सिर्फ खेलें। इधर है धनिया बच्चों, ये होता है धनिया। ये क्या होता है? धनिया। आप इनको काउंट करो, ये कितने हो गए हमने तोड़े हैं, ठीक है? मैं काउंट करो ना, आप हमारी हेल्प कर दो ना यार थोड़ी सी। मैं तंगोस ले लूं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लच है, यहाँ पे छोटे हैं। मैं पीछे हो जाओ, आपको मैं देख के बताती हूँ बड़े काम पे। उस साइड पे बड़े हैं, वो देखो है? अंदर से जाओ, अंदर से जाओ, ऊपर से जाओ, इस साइड पे वो बड़े बड़े है ना, जो बड़े बड़े हैं वो आपने उतारने हैं, ठीक है? हम भी ये इस साइड पे बड़ा है, ये कुछ छोटे छोटे हैं। ये तू पता है तूने नहीं डालने, इसने ऊपर से डाल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे उसके ऊपर स्थित भी थी। ऐसे नहीं किया ना, जैसे ये बड़ा बचपन में आप लोगों की भी बहन भाइयों की लड़ाइयां छड़ाइयां होती थी या नहीं होती थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। इन बच्चों की तो बहुत होती है। अभी हाँ जी, यहाँ पे प्लेट रख दे, ये आप छोटे छोटे अतारे ना, ताजा ले ले,
गाजर कहाँ है? वाह अदन को पता है गाजर का, ये अभी बहुत छोटी है, इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ये बीज ही ऊंचा लगा हुआ था, इसके नीचे भी कुछ गाजर भी पत्ते होते ना। नहीं कौन से पकौड़ों के अंदर गाजर डालते हैं, नहीं डालते। और हमने मंगवाई हुई है मकई। ओ चुप 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 बोलना नहीं, बोलना बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो परिंदा उड़ जाएगा नीचे। वो देखो वो देखो वो खाना खा रहे, उसको खाने देना है, बोलना नहीं है ठीक है, उसको डराना भी नहीं है। बैठ जाओ आप भी बैठ जाओ। ये देखें जी क्या बात है जबरदस्त। ये अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना तो ये ज़्यादा आते हैं परिंदे, क्योंकि यहाँ पे पौधे होते हैं, ठंडे ठंडा मौसम होता है तो ये अक्सर आते हैं यहाँ पे इंजॉयमेंट करने, उनके लिए पार्क है ये तो अकेला, वरना मोस्टली जोड़ी के अंदर आते हैं। देखें इसकी चूँच, देखें क्राउन भी उसके सर पर ताज है, देखा देखा था उसकी यही देखा था। वो खा रहा है, उसको खाने दो। और मैं बता रही थी ये मकई इस दफ़ा हमने मंगवाई क्योंकि बाबा को डायबिटीज़ है, और मकई और बाजरे का जो आटा होता है ना वो काफ़ी हेल्दी होता है गंदम के आटे की नस्बत, तो ये थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी तो फिर इसका आटा पिसवा के तो वो खाएंगे। हाँ कपड़ा नहीं 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 उसको खाने दो, उसको खाने दो, बेचारे को भूख लगी हुई है। फिर जब खा लेते वो वहाँ चला गया, चलता 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 फिर ये हाल है तो फिर पता लगते नहीं, पकड़ते नहीं होते इनको, परिंदों को नहीं पकड़ते इनको नहीं पकड़ते, नहीं इनको नहीं पकड़ते। हमें कोई पकड़ के रूम में बंद कर दे, बाहर से ताला लगा दे, कुंडी लगा दे और खोले ना तो हमें अच्छा लगता है? ये हमें अच्छा नहीं ना लगता, नहीं, नहीं तो इनको भी नहीं अच्छा लगता। वो खा रहा है ना खाना, वो जो गिरा हुआ है हमने डाला हुआ था जो, वो खा रहा है, वो खा लेगा, वो खुद ही पानी पिएगा, चला जाएगा। हाँ खुद ही आएंगे, वो खाएंगे, चले जाएंगे, मजे करेंगे, ठीक है ना? मैं इसके पास जाऊँ ना, वो फिर डर जाएगा, उड़ जाएगा, खाना भी नहीं खाएगा वो बेचारा, भूखा चला जाएगा हमारे घर से फिर। ठीक है ना नूर, सही कह रही हूँ मैं? ठीक है चलो आओ हम अपना काम करें, मामा वेट कर रही होंगी अंदर, वो कहेंगी इतने सही है, इतने नहीं थोड़े और ले जाते हैं, दो और ये पकड़ो, आप ये प्लेट पकड़ो, हम डालते हैं इस तो चुप डालते चुप चुप। नूर के हाथ में जो आ रहा है वो उतारी जा रही है। अब इस तो बाहर चले गए तो यूं चाय डाला, नहीं अभी वो दूर है ना, अभी वो डर नहीं रहा, उसे पता है कि ये लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे इसलिए वो अपना खाना खा रहा है। मैंने इस तो नहीं पता नाश्ते दान वाले हमें मारेंगे। हाँ तो चलते हैं तो खाना खाने देते, खिलाते देखते ये उठ गया, ये तो पूरा तरह पूरा चक्कर लगा रहा है गोल है। फिर जब हमारे पास आएगा ये यहाँ पे पहुँच चुका है, ये देख फिर ये जब हमारे पास आएगा तब हम इसको नहीं लेंगे, नहीं बस हम जल्दी जल्दी ये उतार के ना अंदर चले जाते हैं ठीक है। वो आराम से अपना ना लंच कर लेगा, फिर जब उसकी बेली टमी भर जाएगी फिर वो चला जाएगा। ओके ठीक हो गया, तो फिर ये पूरा उतार, पूरा नहीं उतारना, थोड़े से अब जो बड़े बड़े रह गए ना बस वही थोड़े से उतार लेते हैं एक दो, ये बस ठीक है मुझे लगता है इनाफे। आ जाओ पूछ आते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। नूर नूर ने एक एक पत्ता उतारा है जी, देखे नूर आराम से आ जाओ इधर, इधर आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। उल्टा नहीं है, नहीं उड़ता नहीं, अभी बुखार है, अभी उसे ट्रस्ट हो गया ना कि मुझे कुछ नहीं कह रहे मुझे खाना मिल रहा। आ जाओ आप आराम से आ जाओ सब करके, हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, आप अपना एंजॉयमेंट करो। तो वो बाहर चला गया, हाँ। वो चलते चलते वो देखा बाहर चला गया, वो ऊपर बैठ गया दरख्त के, दरख्त कह रही हूँ दीवार के ऊपर बैठ गया, अब उसका पेट भर गया होगा ना, अब वो बैठेगा थोड़ा सा फिर उठ जाएगा। चल आ जाओ अब हम भी चले, हम भी जाके करें अपने काम, आ जाओ लंच भी करें हमारे धनिया लाते लाते ये इतने हो चुके हैं, और ये ऊपर एक लॉट गई है, मुझे पता है थोड़े खाने का मन कर रहा है, गरम है, आराम आराम से ध्यान ध्यान से ठीक है। हाँ। मजे के नमक मिर्च पूरे कुछ कमी नमक ज्यादती
फाइनली आ चुका है डिनर, उसमें है कढ़ी बनाई हुई और सैलड है, साथ अचार है, माय मोस्ट फेवरेट थिंग, और ये खाएंगे। और देसी फैमिलीज़ में एज़ यूजुअल होता है साग कढ़ी, इस तरह की जब भी चीज़ें पकती हैं तो 2 दिन चलती हैं, इसका मतलब है कल हमारे घर भी सालन नहीं बनेगा, ये 2 दिन ये कढ़ी चलेगी और मज़े से खाएंगे। आप सब भी बताइएगा किसको कढ़ी पसंद है जो बनाते हैं और खाते हैं। पंजाबियों को ये मोस्टली पसंद होती है। बाकी यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।